अभिनेता का जीवन सिर्फ पर्दे तक सीमित नहीं होता, वे हर पल को जीते हैं। यहाँ ऐसे लोग भी हैं जिनका अभिनय बहुत वास्तविक होता है। उन्हें देखकर लगता है कि ये कलाकार उस किरदार को असलियत में जी रहा हो। फिल्म जगत में ऐसे कलाकारों की बहुत कमी रही है। ऐसे कलाकारों में एक नाम ऐसा आता है जिसने अपने काबिलियत से सिनेमा प्रेमियों के दिलों पर राज किया था। इन्होंने बहुत ही कम फिल्मों में काम किया पर हमेशा बेहतरीन फिल्में दी। इस इंसान ने भले ही बतौर हीरो फिल्में ना की हो पर छोटे छोटे किरदार को वो इस कदर जिंदा कर देते थे कि दर्शकों की नजर हटती नहीं थी। नजर से याद आया, इस एक्टर को इनके आंखों के लिए भी पहचान मिली। बिना डायलॉग्स का इस्तेमाल किए वो सिर्फ अपनी आंखों से अदाकारी का नमूना पेश कर देते थे। जी हाँ, आज महान अभिनेता और खलनायक तरुण बोस की बात हो रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी अनामिका और स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। तरुण बोस का जन्म 14 सितंबर 1928 में कोलकाता में हुआ। वे ट्रेडिशनल बंगाली परिवार से ताल्लुक रखते थे पर शुरुआती दिनों में उन्हें बंगाली जुबान को लेकर दिक्कत का सामना करना पड़ा क्योंकि कोलकाता में जन्म होने के बावजूद उनकी परवरिश महाराष्ट्र के नागपुर शहर में हुई। उस दौर में उनकी पढ़ाई कॉन्वेंट स्कूल में हुई जिसके बदौलत वे अच्छी इंग्लिश और हिंदी बोल लेते थे पर बंगाली होते हुए भी वे शुद्ध बंगाली बोल नहीं पाते थे। कुछ लोगों की आधी जवानी इस विचार में बीत जाती है कि वे अपने जीवन में क्या हासिल करेंगे, पर तरुण बोस ऐसे लोगों में से नहीं थे। जब वे छोटे थे तभी से नाटक और स्टेज शो में हिस्सा लेने लगे थे, वहां से उनमें अभिनेता बनने की चाहत पैदा हुई। परिवार जन को तकलीफ देकर अपने सपने के पीछे भागने वालों में से वो बिल्कुल भी नहीं थे। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने कमाना शुरू कर दिया। उन दिनों नागपुर शहर में नया रेडियो स्टेशन लॉन्च हुआ था। तरुण भी 15 साल के हो चुके थे। कहीं से उन्हें खबर मिली कि रेडियो वाले ऐसे लोगों को काम दे रहे हैं जिनकी आवाज अच्छी हो। तरुण बोस दमदार और खूबसूरत आवाज के धनी थे। वे तुरंत रेडियो ऑफिस गए जहां उन्हें अच्छी जॉब मिल गई। प्रसिद्ध नाटकों को रेडियो ब्रॉडकास्ट के लिए रिकॉर्ड करना उनका काम हुआ करता था। दिन गुजरने लगे और साथ ही पढ़ाई भी खत्म हुई। फिर भी उन्हें फिल्मों में मौका मिला नहीं। कुछ साल के बाद उनकी शादी भी हुई। अपने परिवार के जरूरतों को देखते हुए तरुण बोस नागपुर के पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट में काम करने लगे। इस काम के अलावा वे कभी कभी ड्रामा में काम कर लेते थे क्योंकि किसी भी हालत में उन्हें अपना पैशन छोड़ना नहीं था। देखते देखते तरुण बोस 30 साल के उम्र के करीब आए। वे ऐसे इंसान थे जो खुद में यकीन रखते थे, खुद से प्यार करते थे और साथ ही पारिवारिक बातों को समझ लेते थे। इसीलिए जीवन में खुद से प्यार करना जरूरी होता है। ये आदत हमें डिप्रेशन में जाने से रोकती है। ये आदत तब बनती है जब हम किताबें पढ़ते हैं, पर आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में किताब लेकर पढ़ना भी कठिन हो गया है। तरुण बोस को फिल्मों में काम करने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। फिल्मी सफर शुरू होने की भी एक कहानी है। उन दिनों बिमल रॉय नामी फिल्मकार हुआ करते थे, उनके वजह से तरुण बोस को काम मिला। जब तरुण बोस पोस्ट डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे थे तब उनके स्कूली दिनों के हेडमास्टर उनके पास आए। हेडमास्टर ने कहा कि इस स्कूल को कॉलेज में बदलना है, इसके लिए फंड्स की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने तरुण बोस से विनंती की कि अब स्टेज शो के जरिए फंड बनाने में मदद करिए। इस पर तरुण ने कहा कि पहले से ही बहुत सारे प्ले दर्शकों ने देख लिए हैं, इसीलिए शो में फिल्मी हस्ती को अतिथि के रूप में बुलाना पड़ेगा जिन्हें देखने के लिए दर्शक थिएटर में आएंगे। इसके बाद प्ले का इंतजाम किया गया। फिर तरुण के दोस्तों ने फैसला किया कि किसी फिल्मकार को बुलाना चाहिए, पर तरुण बोस बोले कि फिल्मकार को देखने कौन आएगा, किसी एक्टर को बुलाना चाहिए। पर फिर भी दोस्तों ने बिमल रॉय को लाने का फैसला किया। इस पर तरुण नाराज हो गए। प्ले के दौरान बिमल रॉय तरुण बोस के अभिनय से प्रभावित हुए और उन्हें फिल्मों में आने का न्योता दिया। इस पर तरुण बहुत खुश हो गए। उन्हें अपने गलती का एहसास हुआ कि अगर दोस्त उनकी बात मान लेते तो उनका फिल्मों में आगमन नहीं होता। तरुण बोस संस्कारी और पारिवारिक व्यक्ति थे।
उन्होंने बिमल रॉय से कहा कि उन्हें अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी और साथ ही उन्हें परिवार को भी देखना पड़ेगा। इसलिए बिमल रॉय ने तरुण बोस को मासिक वेतन देना शुरू किया और अन्य स्टूडियो के लिए काम करने की इजाजत भी दी। उन दिनों किसी स्टूडियो के एक्टर को अन्य स्टूडियो में काम करने की इजाजत नहीं मिलती थी, पर तरुण बोस की किस्मत अच्छी साबित हुई। बिमल रॉय के कारण वे मुंबई आए, पर फिल्मों में उन्हें मौका दिया असीत सेन ने। 1957 की अपराधी कौन फिल्म में तरुण बोस डॉक्टर की भूमिका में दिखे। ये इस फिल्म के महत्वपूर्ण किरदारों में से एक था। दिलीप कुमार साहब की मधुमति फिल्म में भी डॉक्टर की भूमिका निभाने के बाद तरुण बोस ने बिमल रॉय की सुजाता फिल्म में काम किया। सुनील दत्त और नूतन जैसे हस्तियों के साथ तरुण बोस ने पहली बार काम किया था, पर फिर भी बिना झिझक तरुण बोस ने अपना किरदार निभाया। मनोज कुमार साहब की गुमनाम फिल्म से पहले एक फिल्म ने तरुण बोस के करियर को नया मोड़ दिया था। 1964 की उस फिल्म का नाम था कोहरा। बीरेन नाग इस फिल्म के डायरेक्टर थे, जो सस्पेंस वाली फिल्में बनाने के लिए प्रसिद्ध रहे। इस फिल्म में उनका खलनायकी अंदाज बहुत लुभावना था। तरुण बोस की पर्सनल चॉइस की बात की जाए तो उन्हें हमेशा खलनायक वाले किरदार से अपनापन रहा है, पर उन्हें वो टिपिकल खलनायक वाला किरदार करना पसंद नहीं आता था, जहां हीरोइन को गंदी आंखों से देखना होता है। सीधे शब्दों में कहे तो प्रेम चोपड़ा जैसे काम करके उन्हें महान खलनायक नहीं बनना था, क्योंकि तरुण बोस बड़े ही सीधे इंसान थे। उनका मन बहुत कोमल था। ऐसा इंसान खलनायक बनता है तो बड़े पर्दे पर उनके असली चेहरे का ख्याल आता नहीं। तरुण बोस के मासूमियत को लेकर एक किस्सा सुनाती हूँ। एक फिल्म के शूटिंग के वक्त उन्हें छोटे बच्चे को थप्पड़ मारना था। उस वक्त सीन को सच्चाई का रूप देने के लिए सचमुच का थप्पड़ मारना पड़ता था, पर तरुण बोस के लिए ये काम बहुत मुश्किल था। वे उस छोटे बच्चे को मारना नहीं चाहते थे, पर डायरेक्टर के दबाव के कारण उन्हें ये काम करना पड़ा। बाद में तरुण बोस ने उस छोटे बच्चे को चॉकलेट गिफ्ट की। तरुण बोस के अभिनय का जादू धीरे धीरे फैलने लगा। मनोज कुमार की गुमनाम फिल्म में भी तरुण बोस ने अच्छा अभिनय किया था। 1963 की फिल्म मुझे जीने दो में सुनील दत्त के साथ वे चंबल घाटियों में थे। असल में ये फिल्म सच्ची घटना पर बन रही थी। सुनील दत्त साहब इसके हीरो थे और तरुण बोस पुलिस के किरदार में थे। शूटिंग देखने के लिए गांव के लोग अक्सर आते थे। एक दिन कुछ डाकू को ये खबर मिली। वे अपना भेष बदलकर गांव वालों के समूह में खड़े हो गए और शूटिंग देखने लगे। शूटिंग के क्रू मेंबर को ये बात तब पता चली जब गांव वालों ने डाकुओं को पहचान लिया। इस फिल्म के शूटिंग के वक्त तरुण बोस की पत्नी बहुत डरी थी और साथ ही बातचीत करने के लिए सुविधा भी नहीं थी। एक दिन तरुण बोस अपने ड्राइवर के साथ चंबल से गुजर रहे थे। रात का अंधेरा था, बीच रास्ते में एक व्यक्ति खड़ा था। ड्राइवर को गाड़ी रोकनी पड़ी। तरुण बोस गाड़ी से बाहर निकले और उस व्यक्ति ने बड़ी सी बंदूक तरुण बोस के कंधे पर रख दी। तरुण बोस को लगा कि ये कोई फॉरेस्ट अधिकारी होगा। ऐसे में ड्राइवर ने देखा कि पीछे से एक ट्रक आ रहा है। मौके का फायदा उठाकर ड्राइवर ने उस व्यक्ति को धक्का दे दिया और तरुण बोस को गाड़ी में बिठाकर वहां से चल पड़े। तरुण बोस ने ड्राइवर से कहा कि उस गार्ड ने हमें क्यों रोका। इस पर ड्राइवर ने कहा कि वो गार्ड नहीं, डाकू था। तरुण बोस फिल्म जगत को सिर्फ 14 साल दे पाए, क्योंकि बहुत ही कम उम्र में उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिससे 8 मार्च 1972 को उनका स्वर्गवास हुआ। उनके देहांत के वक्त बड़े बड़े फिल्मकारों ने अफसोस जताया। उस वक्त तरुण बोस सिर्फ 43 साल के थे। तब तक उन्होंने 50 से भी अधिक फिल्मों में काम कर लिया था। 14 साल में 50 से भी अधिक फिल्मों में काम करने का सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिला। उनमें से तरुण बोस एक हैं। ऐसा भी नहीं है कि सभी फिल्मों में उनका किरदार छोटा छोटा होता था। उन्होंने जितनी भी फिल्में की उनमें किरदार अहम था। तरुण बोस जैसे शख्सियत का होना अपने आप में बड़ी बात है। आज तरुण बोस के बच्चे शिल्पी और अरूप फिल्मी दुनिया से काफ़ी दूर हैं। 2021 के साल में शिल्पी का भी निधन हुआ। आज तरुण बोस का परिवार फिल्म जगत से नहीं जुड़ा है, पर 50 फिल्में और लाखों दर्शकों के ख्याल में तरुण बोस हमेशा जिंदा रहेंगे।
तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।